हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। आज हम आपको तीन हाइडिंग प्लेसेस के बारे में बताएंगे जो कि निकल कर आता है बरमूडा और कालाहारी में। आप में यह आपको रैंक पुश करने में ज़रूर मदद करेगा और एनिमी को मारने के लिए भी मदद करेगा। तो हाइडिंग प्लेसेस को जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। तो हम आ चुके हैं हमारी हाइडिंग प्लेस के पास। आपको ये हाइडिंग प्लेस केपटाउन और सेंटोसा के बीच में जो पुल है वहाँ मिलेगा आपको। सिंपल से यहाँ जो ऑयल बैरल पड़ा है वहाँ आ जाना है। उसके पास जो टूटी हुई कार पड़ी है ना वहाँ चले जाना है। ये कहाँ पर है मैं आप में बता देता हूँ। आपको यहाँ आने के बाद इसके बीच में जो गैप दिखेगा वहाँ आ जाना है। आप ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ आकर एक सिंपल सा जंप लगाना है बिल्कुल इस तरीके से, देख सकते हो। और हम आ चुके हैं हमारे हाइडिंग प्लेस के पास, पहुँच गए हैं हमारे हाइडिंग प्लेस में। और यहाँ तो चारों तरफ से आप सेफ हैं, तो वहाँ तो पानी है, कोई मार नहीं सकता, इतने दूर से कोई देख ही नहीं पाएगा। हाँ, तो आप कवर साइड अच्छे से भी ले सकते हो। एनिमी यहाँ से आया तो यहाँ आप बैठे रहे अपनी फोन में बैठ के मार सकते हो। तो वहाँ से भी कोई आया उसे भी ऐसे मार सकते हो। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी करना। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी हाइडिंग प्लेस की तरफ। अभी हम आ चुके हैं हमारी दूसरी हाइडिंग प्लेस के पास जो कि निकल कर आता है कालाहारी में आपके कमांड पोस्ट में। आपको मैप में दिखा देता हूँ। आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वहाँ सिंपल से बैठ जाना है। और आपको ध्यान रहे कि कोई एनिमी पास में ना हो, नहीं तो आपको मार कर चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपको यहाँ डाटा को ऑफ करना है। आपको अच्छे से इस तरीके से बैठ जाना है, देख सकते हो। और इस तरीके से बैठने के बाद आपको डाटा को ऑफ कर देना है, 999+ होने का वेट करना है। 999+ होने के बाद आपको सीधे सीधे दौड़ते जाना है। तो कहाँ तक दौड़ते जाना है मैं बता दूंगा, थोड़ी इधर उधर नहीं होनी चाहिए नहीं तो काम नहीं करेगा। आपको हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आपको यहाँ तक आने के बाद अपने डाटा को ऑन कर देना है। डाटा को ऑन करने के बाद आपको क्राउच करके सीधे सीधे चलते जाना है और गन को एक्सचेंज वगैरह करते जाना है। और थोड़ी देर के बाद आप हाइडिंग प्लेस में पहुँच जाओगे। देख सकते हो हम हमारी दूसरी हाइडिंग प्लेस में पहुँच गए। आप यहाँ अच्छे से मज़े ले सकते हो। आप यहाँ किसी एनिमी को मारना नहीं तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप यहाँ अच्छे से रैंक पुश कर सकते हो। आपको ये हाइडिंग प्लेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको यहाँ से कैसे निकलना है मैं बता देता हूँ। आप बैठे हो या खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बिल्कुल सीधे सीधे इस तरीके से देखो कैसे जा रहा हूँ, सीधे सीधे चलते जाना है, चलते आप निकल आएगा। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो हम आ चुके हैं हमारी तीसरी और आखिरी हाइडिंग प्लेस के पास जो कि निकल कर आता है कालाहारी में आपके दशाब में। मैं आप में देख सकते हो कि कहाँ पर है। देख सकते हो आप यहाँ आने के इसके छत के ऊपर आ जाना है और थोड़ी लोड वगैरह भी करना है। यहाँ काफ़ी टाइम जोन भी पड़ता है। ये जो आपको गड्ढा टाइप का दिखाई दे रहा है आपको वहाँ जाना है। और आपको वहाँ जाने के बाद लेट जाना है। आप लेट जाओगे तो आपको कोई देख नहीं पाएगा, अगर उधर से कोई आता है आपको देख नहीं पाएगा। आप इस तरीके से लेट जाओ आपको कोई देख नहीं पाएगा, और उधर से कोई आता है तो आपको देख नहीं पाएगा अगर उस तरफ लेट जाओ इस तरीके से। देख सकते हो यहाँ कवर फाइड अच्छे से भी ले सकते हो। अगर MP40 या शॉटगन हो अच्छे से काम करेगा, आप ऐसे उसको मार सकते हो, एनिमी को अच्छे से धूल चढ़ा सकते हो। उस तरफ भी कोई आता है तो आप ऐसे मार सकते हो। तो आपको हाइडिंग प्लेस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और आपका फेवरेट कौन सा है वो भी बताना।